Welcome back to my channel. It's 6:30 in the morning. अब देखिए आज इस कॉन्क्रीट जंगल से निकल के 6:30 in the morning अब हम कहाँ चलते हैं? चलिए मेरे साथ. हम चल दिए अपने घर से. It's time to shed few kilos accumulated during lockdown. और हम पहुंच गए अपने घर के पास ही गार्डन में. हर तरफ हरियाली ही हरियाली. नेचर हैज़ अ कामिंग इफेक्ट ऑन अस. जस्ट बाय व्यूइंग सीन्स ऑफ नेचर रिड्यूसेस एंगर एंड स्ट्रेस. इट मेक्स वन फील बेटर इमोशनली. सो वन शुड डेफिनेटली प्लान टू बी विद नेचर. पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देकर हम सबका कल्याण करते हैं. सुबह सुबह पर्यावरण के नज़दीक रहने से मन को शांति मिलती है. अब हम लोग घर चलते हैं और एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाएं. हाय गाइस, बैक टू होम, बैक टू किचन. अभी हम एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आप मेरे साथ देखिए. ये है ग्रेटेड बीटरूट, मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटो, एंड देन दिस इज कोरिएंडर, ड्राई पुदीना लीव्स हैं, एंड ये ब्रेड क्रम्स है, and then cucumber is sliced, and then tomato sliced, and ये boiled potato जो already mash किया हुआ है, और ये corn flour है binding के लिए. and then अब हम हल्दी सा cutlet बनाना शुरू करते हैं. चलिए मेरे साथ. अब हम देखिए beetroot and potato, mashed potato को एक साथ mix करेंगे और बाकी सारे ingredients भी मैं एक एक उसमें मिलाऊँगी. जैसे कि बाइंडिंग के लिए मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, एंड इसमें मैंने ड्राई पुदीना लीव्स डाली हैं हाफ स्पून अराउंड क्रश करके, एंड देन कोरिएंडर भी मैं डाल रही हूँ अच्छी महक के लिए. एंड मैं 2 स्पून इसमें अराउंड कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ. एंड देन टेस्ट के लिए सॉल्ट एंड पेपर. एंड मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है. वेरी लेस स्पाइसी. एंड अब इसको आपस में मिक्स कर देंगे. मिक्स करके एक डो की तरह हम बना लेंगे. अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. और आप सब तो जानते ही हैं बीटरूट
हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। अब छोटे से बॉल शेप में और रेक्टेंगुलर शेप में और रॉड शेप में आप बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं। इस तरह से मेरे कटलेट तैयार हो रहे हैं, देखिए। फ्रेंड्स, मैंने कटलेट्स को शेप दे दिया है और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना हेल्दी क्या है। तो आपका सोचना ठीक है, मैं इसको हेल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ जिसमें हार्डली ऑयल यूज होता है। अब आप देखिए, एयर फ्रायर को अब हम प्री हीट करते हैं कटलेट्स बनाने के लिए। तो मैं इसे 5 मिनट्स टाइमर लग एंड ये स्टार्ट हो गया है। फाइव मिनट्स एंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैं प्रीहीट कर रही हूँ। और इन केस अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप मार्केट में जो फ्रोजन कटलेट्स मिलते हैं उनको भी आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं बहुत कम ऑयल यूज करके। हेल्दी स्नैकिंग का एक अच्छा आइटम है। हीट हो चुका है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैं इसे ओपन करती हूँ और बाहर निकालती हूँ। ये बहुत गर्म है अभी और हमें हल्का सा ऑयल, ब्रश में ऑयल लेना है और बस इसके बेस पे हल्का सा ऑयल का ड्रेसिंग करनी है, नथिंग एल्स। वो डीप फ्राई वाला आपको कुछ भी नहीं करना है और अपने कटलेट्स को यहाँ पे रख दीजिए। और कुछ मैं ये फ्रोजन भी आपको दिखा रही हूँ। अभी फिर से हम इसको एयर फ्रायर के अंदर 5 मिनट्स के लिए सेम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे। ये स्टार्ट हो गया है और 5 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो फिर आपने देखा कि बहुत कम ऑयल में बिना फ्राई किए मेरे कटलेट्स रेडी हैं। अब इन कटलेट्स की मैं प्लेटिंग करती हूँ। और केचप के साथ एंजॉय करते हैं। और आप भी अपने घर में जरूर बनाइए। मैं एयर फ्रायर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप चाहे तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। Thank you so much. Do like, share and comment.